अभी ये साइड अनकम्प्लीट है, इंशाल्लाह एक से दो दिन में ये भी रेडी हो जाएगी और इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट भी चेक करवाएंगे। ये जी बोर की सफाई हो रही है, अभी इस वजह से थोड़ा सा डिले है। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसी वजह से हम रुके हुए थे। आए जी, आपको ताऊ जी के पास लेके चलते हैं और ताऊ जी से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताऊ जी। वालेकुम सलाम। ताऊ जी, किस वजह से ये काम रुक गया? यहाँ पे हमें कोई बोर में इशू आ रहा था, इनका ये 2 साल से बोर बंद पड़ा था और इन्होंने जब इसको ट्रैक्टर पे रन किया है तो वो पानी 5 इंच की डिलीवरी आधी भी नहीं दे रहा था। ये देख रहे होंगे, हमने ये सारा बोर साफ किया है इनका, दोबारा रेता वगैरह निकाली गई है। अब ये इनका पानी जो है तकरीबन बहुत ऊपर आ गया और बहुत बिल्कुल साफ हो गया, इसी वजह से आप ये डिलीवरी वगैरह लाएंगे और सुबह तक इंशाल्लाह ये रन हो जाएगा। तो ये आ रहा था, इसको ये दूर कर दिया गया इनका। पहले वाला बोर्ड इनको चला कर दे रहे हैं, इनकी सेविंग हो जाएगी 1-1.5 लाख रुपये की, वरना इनको 1.5 लाख का नया बोर्ड करवाना पड़ना था। अब इसी में एक सब मसीबल डाला गया है 85 का, उससे ये सारी रेत बाहर निकाल ली गई। आप देख रहे हैं इस वजह से कि इनकी रेत ही है ये सारी, तो इसलिए ये काम रुका हुआ है कि बोर कन्फर्म हो जाए, उसके बाद जरान हो जाएगा जी। ताऊ जी का कहना है जी कि ये अनकम्प्लीट इस वजह से है कि यहाँ पे एक तो इनका बोर काफ़ी पुराना था, 2 साल से इन्होंने बंद किया हुआ था, तो ये इसी को रन करना चाह रहे हैं और इसकी सफाई के लिए यहाँ पे दो दिन से ताऊ जी लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो यहाँ पे। इस पे सब मर्सिबल डाला हुआ है जी इन्होंने यहाँ पे 25 HP का, और आप गहराई देख ही रहे हैं कि काफ़ी गहराई है, 40 फुट इसकी गहराई है और इंशाल्लाह ताऊ जी का कहना है कि जी कल तक ये इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और इसका सफाई जो है मेरा ख्याल है कल तक कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह हम इसकी भी वीडियो आपको बना के और दिखाएंगे। इंशाल्लाह ठीक है ताऊ जी, इंशाल्लाह कल हो जाएगी। इंशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी ताऊ जी। थैंक यू। अच्छा जी, ताऊ जी से तो आपने मिल लिया है, अब मैं इमरान भाई से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। लीजिए जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान भाई, कैसा लग रहा है आपको अपनी साइड पे आके? घर बात है, हमेशा की तरह बड़ी हौसला अफजाई होती है जब साइड पे आते हैं, अच्छा काम किया है और लोगों की दाद मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी भी होती है और मतलब मोटिवेशन भी मिलती है कि इन फ्यूचर हम और अच्छा काम करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि मैं तो अभी साइड पे आता हूँ कम्प्लीशन के बाद, असल में हकीकी मामला जो उनसे हैं वो तो ताऊ जी के हैं, साथ जो इनकी अपनी टीम है पूरी, असलम है, छोटा असलम है और भी जो दूसरे भाई हमारे साथ हैं, अभी नई टीम के मेम्बर भी शामिल हो रहे हैं, भाई सैफुल्ला भी है इस दफ़ा साथ। तो असल में ग्राउंड वर्क जो है ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाके इनको जो असल काम करना पड़ रहा है, अभी इतनी इंतहाई शदीद सर्दी थी कुछ दिन रहे हैं ये, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया पूरा, और ये पूरा 1 हफ्ता शदीद सर्दी में इन्होंने साइड पे गुजारा। मैं तो सिर्फ आ जाए हूँ, अच्छे कपड़े पहने और आगे बस गपशप लगाने आया हूँ,
और बाकी ये है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल मेरे हाथ में है, डिजाइनिंग मैं कर रहा हूँ, एंड यूजर के साथ मामला मैं कर रहा हूँ, टीम वर्क, अकेला कुछ भी नहीं है कोई बंदा, तो टीम वर्क है, सारे मिलके अपना अपना मतलब अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इन फ्यूचर जो सा प्लान यही है कि मतलब अभी तक जितना काम किया है मोर देन इसे मल्टीपल 10% करें। इस साल में टारगेट आया, एक गोल रखा हुआ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 300 ट्यूबवेल लगाएंगे प्रॉपरली एक रेट में और सेम लाइक इसी इंस्टॉलेशन में इसी पैरामीटर को फॉलो करते हुए, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करेंगे तो ज़ाहिर बात है नाम खराब होगा, और नाम खराब होगा तो ज़ाहिर बात है काम नहीं मिलेगा। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मदद अल्लाह पाक की और दुआएं दोस्तों की, सपोर्ट भी दोस्तों की, इंशाल्लाह 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 क्यों नहीं।